दोस्तों अगर आप सीसीटीवी कैमरा के बारे में जानना चाहते हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि काम कैसे करते हैं और इनके फंक्शंस क्या क्या है तो ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ सीसीटीवी कैमरे होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। मेरा नाम निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सीसीटीवी कैमरे के बारे में आपने सुना ही होगा, अब बात करते हैं ये काम कैसे करते हैं। सीसीटीवी कैमरे होते हैं वो आपको तीन तरह के मिलते हैं, यानी कि एनालॉग कैमरा, आईपी कैमरा और कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्डिंग के सीसीटीवी कैमरा। ये तीन टाइप के होते हैं सीसीटीवी कैमरा, जिसमें जो आईपी कैमरा है ये आपको वायर्ड, यानी कि कई तरह से आपको वायरलेस मिलता है या फिर इसमें आपको ज्यादा वायर लगाने की जरूरत नहीं है, या आपको RJ45 जो नेटवर्क की बिल होती है उसके जरिए चलाने होते हैं, या फिर आप इसे वाईफाई के जरिए या फिर वायरलेस भी चला सकते हैं। मतलब जो एनालॉग कैमरा है ये आपको वायर के जरिए ही सपोर्ट मिलता है, यानी कि अगर आपको कैमरा लगाना चाहते हैं तो आपको वहां तक इसका वायर लगाना होगा। ये इनमें डिफरेंस है। अब बात करते हैं इनमें और क्या मेजर डिफरेंस है। इनमें आपको क्वालिटी का डिफरेंस मिलता है। जो एनालॉग कैमरा है आपको इसमें क्वालिटी कम मिलेगी, यानी ये आपको HD सपोर्ट नहीं मिलते, मगर जो IP कैमरा है ये आपको HD सपोर्ट में मिल जाते हैं, यानी कि जो IP कैमरे लेते हैं वो आपको 1080p या फिर 720 पिक्सल में देने को मिल जाते हैं, मगर जो एनालॉग कैमरा है वो आपको ऐसा सपोर्ट नहीं देते, क्योंकि इनमें ये पुरानी टेक्नोलॉजी भी चलते हैं एनालॉग कैमरा, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा बेहतर सपोर्ट नहीं मिलता। मगर जो IP कैमरे में आपको ज़्यादा बेहतर पिक्सल्स मिलते हैं, ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है। और बात करें तीसरे की, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्डिंग की, आखिर ये क्या है। कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्डिंग में आप इसमें दोनों तरह की कैमरे का मिल सकते हैं, यानी कि अगर आप एनालॉग कैमरा लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कंप्यूटर से उसे ऑपरेट कर सकते हैं, और जो IP कैमरा है उसे भी आप वायरलेसली या फिर जो RJ45 की बजाय उसके जरिए से काम में ले सकते हैं। अब बात करें इसमें क्या एडवांटेज मिलते हैं। इसलिए जो कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्डिंग है इसमें आपको कई सारे कैमरों सपोर्ट मिलता है, यानी कि आपको इसमें कैमरे की लिमिट नहीं होती कि आपको इतने कैमरे ही लगाने होंगे। आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसमें जितनी मर्जी उतने कैमरे ऐड करते जा सकते हैं। मतलब जो एनालॉग या फिर IP कैमरे होते हैं इसमें आपको लिमिट मिलती है 8 कैमरे या फिर 16 या फिर 32 कैमरे। मगर जो कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्डिंग इसमें आप अपनी सुविधा के हिसाब से कितने भी कैमरे ला सकते हैं, मगर इसमें कई गलतियाँ भी, जैसे कि अब बात करें जो कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्डिंग है इसमें आपको कंप्यूटर 24 आवर चलाना होगा, यानी कि आपको 24 आवर के लिए कंप्यूटर सीसीटीवी कैमरा के लिए छोड़ना होगा। मगर जो DVR होते हैं, जो जैसे कि IP कैमरा होते हैं उनमें आपको मिलते हैं NVR यानी कि नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, और जो एनालॉग कैमरा होता है इसमें आपको मिलते हैं DVR यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। आखिर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और NVR में अंतर क्या है। जो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है ये आपको एनालॉग कैमरा सपोर्ट देता है, यानी इसमें आपको क्वालिटी कम मिलती है, और जो NVR है इनमें आपको क्वालिटी बेहतर मिल जाती है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। जो उम्मीद आपको पता चल चुका होगा कि एनालॉग IP और कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्डिंग क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।